नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश के पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अंत्योदय की भावना कार्य करके हर वर्ग के हित में अनेक योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करके और बिना खर्ची व पर्ची से योग्यता के आधार पर हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसी बदौलत तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। इससे प्रदेश में और अधिक गति से विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि लोहारों से दिल्ली तक हाईवे का निर्माण, किसान के खेतों में खजूर की खेती करवाना और लोहारों व सिवानी में उद्योग स्थापित कर युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध आदि परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत व लगन से भाजपा की नीतियों का प्रचार करने का काम किया। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने नीति बनाकर हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। किसान व गरीब की आय बढ़ाने के लिए पारदर्शिता से अनेक योजनाओं को लागू किया। सरकार ने अपने वायदे के अनुसार तीसरी बार शपथ लेने से पहले 24,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देकर रिकॉर्ड कायम किया है और सरकार युवाओं की हितेशी होने का प्रमाण दिया है। हजारों नौकरियों की और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मुझे ये चैन है भाई, 7 दिन मैं कमा पाऊंगा, इसके लिए मैं एक छोटे ड्यूटी लगा दूंगा। तो रुचि होना काम तारे पूरे कराऊंगा। अब तारा छोड़ दूंगा का हक नब्बे के नब्बे को मैं कम नहीं होने दूंगा। मैं तो आपसे ये वायदा करता हूँ, छोड़ के जाता नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।